तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको बताया, हम जब भी आती न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर आ जाए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को कर लीजिए यहाँ से सब्सक्राइब और कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करेंगे न्यू जानकारी, न्यू अपडेट, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको अगेन से हम लेकर आए हैं अतिथि शिक्षक के पोर्टल के बारे में जानकारी के संबंधित। तो दोस्तों यदि आपके मन में कोई डाउट होता है, कोई चीज़ होती है, तो आप यहां पर dpi.att@gmail.com पर आप अपना मेल कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट की यहां पर गलतियां हो रही हैं कि उनका जो सरनेम है डबल आ गया है, नेम आपका डबल आ गया है, कैटेगरी चेंज हो गई है या फिर जेंडर चेंज हो गया, और इससे संबंधित दोस्तों यहां पर आपको बहुत सारी जानकारी भी देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर बाकी में। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर, जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन में आपको बताया जा रहा है कि योर आधार या योर मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो इसको आपको कैसे वेरीफाई करना है, सिंपली तरीके से हम आपको सारी जानकारी बताएंगे, पासवर्ड रीसेट करके बताएंगे कि किस तरीके से आपको यहां पर करना है। तो सिंपली तरीके से नए आवेदन वाले पंजीयन सेक्शन पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करेंगे और यहां पर आपको एक मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद ये आपको कैप्चा कोड देना है। कैप्चा कोड देने के बाद दोस्तों यहां पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा दोस्तों, जिसमें आपको बताया गया एरर, आपके द्वारा प्रस्तावित मोबाइल नंबर पोर्टल पर पहले से किसी अन्य अतिथि शिक्षक के द्वारा पंजीकृत किया जा चुका है, अन्य मोबाइल नंबर से आवेदन करें। तो दोस्तों यहां पर इसके पहले, जब अभी बीच में कुछ 6-8 महीने पहले लिंक खोली गई थी, लिंक नहीं खोली गई थी, वो केवल एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें क्या किया है, सभी कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन कर करके देखे लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, उसमें भी ऐसा ही बता रहा था। तो वो आपका मोबाइल नंबर वहां पर फीड हो चुका है। तो आपको अब करना क्या है, यहां पर सिंपली तरीके से हम इसको करेंगे ओके। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर गेस्ट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से सबसे पहले आपको लॉग आउट कर देना है, क्योंकि आप यहाँ पर जाएंगे तो लॉग आउट आपको करना चाहिए, जरूरी रहेगा, अनिवार्य रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लॉग इन वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस में दोस्तों यहाँ पर अब आपके लिए नीचे आएगा फॉरगेट पासवर्ड, क्लिक हियर टू रिकवर द पासवर्ड वाले सेक्शन पे, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है, ध्यान रखें जो नंबर आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है, उस नंबर को आपको यहाँ पर दोनों जगह डालना है। यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, नाम का केवल आपको फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट नाम ही आपको यहाँ पर देना है, मिडिल नेम सरनेम नहीं देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके लिए अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरीके से देंगे। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सही से डेट ऑफ बर्थ लिखना है, तो यहाँ पर अब आपके लिए डेट ऑफ बर्थ देना है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपको ये कैप्चा कोड देना है, तो कैप्चा कोड भी दोस्तों यहाँ पर आपको देना है, और रीसेट पासवर्ड वाले सेक्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड सफलतापूर्वक चेंज कर दिया गया है एवं आपके पंजीकृत मोबाइल पर भेज दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसको ओके करेंगे। ओके करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम अगेन से जाएंगे। अगेन से यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर आना है। डैशबोर्ड से अगेन से जाएंगे हम लॉग इन वाले सेक्शन पर। लॉग इन वाले सेक्शन पर अब आपको वही नंबर देना है जो अभी आपने पासवर्ड रिसेट किया है, आपके मोबाइल पर वो पासवर्ड ID आ चुका होगा। तो आईडी में दोस्तों यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ही रहता है, पासवर्ड आपको कुछ 3 अंक का आया होगा, 3 जिसमें से आपके एक 3 लेटर होंगे, 1 स्टार होगा, फिर 3 न्यूमेरिकल होंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम नंबर भरते हैं। नंबर भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड भरना है, और इस लाइन को आपको खिसकाना जरूर है, ध्यान रखें इसको आपको खिसकाना, इस साइड तभी आपका लॉगिन होगा, अदरवाइज आपका ही लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि ये आपका लॉक रहता है, यहाँ से आपको अनलॉक करना पड़ेगा। मतलब क्लिक या 2 यहाँ पर बटन पर क्लिक कर लीजिए तो हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इतना हम कंप्लीट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो प्रिंट है, प्रिंट के लिए भी ऑप्शन आ रहा है, क्लिक या एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, अनुभव प्रमाण पत्र, EKYC, ये सारी चीज़ें इसके पहले की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। यदि आपको EKYC की चीज़ देखना है तो आपको यहाँ पर आधार EKYC वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से आएगा, समग्र आईडी दोनों जगह, समग्र आईडी डालना है दोनों जगह पर आपको, फीमेल जो फैमिली आईडी है वो भी आपको 8 अंकों की देना है, यहाँ पर आप दोनों जगह डालेंगे। यहाँ पर आपको क्लियर करना है, यहाँ पर आपको 9 अंकों की आईडी डालना है,
ध्यान रखें, कृपया नोट या ध्यान दीजिए, अतिथि शिक्षक के पंजीकृत समग्र आईडी एवं आधार कार्ड केवाईसी अनिवार्य है। समग्र आईडी ना होने की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत सचिव के संपर्क करें, नगरीय निकास में अपने प्रभारी से संपर्क करें। समग्र पंजीकरण के साथ अपना आधार केवाईसी करना उचित है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट की जो समग्र आईडी है वो गलत हो चुकी है या फिर उनका डाटा मैच नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपका डाटा सही है या नहीं, वो चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर करना है। तो यहाँ से आप अपना पूरा डाटा चेकआउट कर लेते हैं। इसके पहले के लिए हम वीडियो आपको बना के दे चुके हैं।